अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। ये स्पेशल वीडियो हमारे प्यारे भाई उस्ताद मलक बाबर साहब, जो मियां नज़ीर ग्रुप से तल्लक रखते हैं, उनके नाम। थोड़ी देर पहले उनका वीडियो बयान देखा है उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब के बारे में, उन्होंने गुफ्तगू की है। ये जो तारिक फार्मेसी वाला, उस्ताद मलक तारिक फार्मेसी वाला का इशू एक बना हुआ था कराची में, मैं उधर मौजूद था कराची में। उन्होंने लाइव पे आके बातें की थी कि पिपला वाले कबूतरों को मुकम्मल डीग्रेड किया था कि वो कबूतर नहीं उड़े या उड़ते नहीं है। उन्होंने ये भी बात की थी कि हम उधर कबूतर वो रखते नहीं है, वो कबूतर नहीं उड़ते हमारे पास। अच्छा, वो बात इस हवाले से कि लाहौर का मौसम की तो बात ही नहीं हुई, वहां पे बात हुई थी कबूतरों की। दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 70 कबूतर गए हैं पिपला से, उस्ताद अमीर मुख्तार ने भेजे हैं हमारे पास, जबकि इतनी तादाद में कबूतर नहीं गए। ये उन्होंने एक गलत बयानी की थी तारिक फार्मेसी वाले ने। तो भाई बात ये है कि हमने ये दावत शौक मियां नज़ीर ग्रुप को तो दी ही नहीं है, हमने तो तारिक फार्मेसी वाले को दावत शौक दी है। और दूसरी बात के स्वाद इम्तियाज चेयरमैन से उस्ताद जी का शौक नहीं होता, क्योंकि उनके साथ उनका जाती एक तल्लाक है, बड़ा अच्छा तल्ला के, जैसा कि आपकी पार्टी के एक और भाई मियां एहसन रशीद पुरी साहब, उनके साथ भाई मिठू और मेरा एक बहुत अच्छा तल्ला के, वो हमारे भाई हैं, बड़े भाई। तो इसलिए बाकी बात रहेगी शौक की। आपने कहा लाहौर आके शौक करें, भाई बाबर साहब ये मुर्गबाजी और बटेरबाजी तो है नहीं कि बगल में दिया एक जगह से दूसरी जगह में आप जाके शौक कर लें। इसके लिए पहले आपको पूरा एक सेटअप तैयार करना पड़ता है। तो आपको भी पता है, ये सारी दुनिया को पता है कि काबिले इज्जत काबिले इहतराम जनाब उस्ताद मुन्ना नदीम तारावाला साहब, उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन साहब, वो इधर आके उन्होंने शौक किया था मियां वाली से, वो आपको पता है कि जो उसका रिजल्ट जो भी आया था वो आप सबको पता है। तो बाकी बात ये कि आपने बात की शौक की, हमने दावत दी है मलक तारिक अवान फार्मेसी वाले को, वो पिछले 10-12 साल से अब मुसलसल शौक कर रहे हैं मियां वाली से शौक कर रहे हैं। मियां वाली और पिपला को फासला भी नहीं है, ना मौसम का इशू है, ना कोई और सूरज देर से ढलने वाला इशू है, एक जगह पे हैं, सेम। और रहेगी कबूतरों की कैपेसिटी का, चलो एक जगह पे पता चल जाएगा, आपके लिए एक आसानी हो जाएगी कि मलक तारिक फार्मेसी वाले ने कहा था पिपला वाले कबूतर नहीं उड़ते, तो फिर आपको एक और आसानी हो जाएगी। पिपला में कहते हैं कि मियां वाली में नमी भी होती है, तो नमी होती है तो आपके कबूतर तो फिर शाम बैठेंगे, तो आपको जितने में आसानी हो जाएगी फिर उधर से। जी आप उधर से वन टू वन मुकाबले हमसे करें। और बाकी रहेगी बात पंजाब में भी, तो पंजाब में हमारे भी ग्रुप है, आपका भी है माशाल्लाह। लाओ तो आपको पता है कि हमारी छात नहीं है जिस तरह, तो आप हमारे साथ पंजाब में माशाल्लाह मुकाबले तय कर सकते हैं। आप हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह भाई ज्यादा शौक होगा, मोहब्बत बढ़ेगी, काम नहीं होगी और एक अच्छे दायरे में होगा। तो आप पंजाब में भी, आपकी पार्टी हमारी भी है, बैठ के बात कर देते हैं, शौक कर देते हैं जनाब। बाकी लाइव आपने देखा था, मैंने वहां पे भी उस्ताद मियां नज़ीर साहब की तारीफ की थी, उनके कबूतरों की, अल्लाह पाक उनको जन्नत आला मकाम अता फरमाए जन्नत में, तो उनकी तारीफ की थी। तो आज भी मानते हैं उनको भी, उनके कबूतरों को भी। हम तो कभी भी किसी उस्ताद के बारे में गलत बात ना की है और ना ही बाद में करेंगे। तो इस तरह तारिक फार्मेसी वाले ने वहां पे कराची में बैठ के बहुत गलत गुफ्तगू की थी, जब जो कि उनको जेब नहीं देती थी। उनका जाती तलक अब भी है उस्ताद अमीर मुख्तियार खान से, तो वो उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और करते हैं, मगर उन्होंने ये बात उनको जेब नहीं देती थी। जिन कबूतरों को पूरी दुनिया मानती है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी शोहरत हासिल की है, ये वो कबूतर है जिन्होंने पाकिस्तान के बाहर भी अपनी शोहरत हासिल की है। और ये इनको तो बल्कि खुश होना चाहिए था कि मियां वाली में अगर कबूतरबाजी में नाम निकाला है या मियां वाली एक पहचान बनी है, तो वो इन पिपला वालों की वजह से। तो तारिक फार्मेसी वाले को तो फख्र करना चाहिए था कि हमारे जिला की वो शान है, आन है। तो बंदा अपने इलाके में जो नाम निकालता है उसकी तो बंदा कदर करता है, ये नहीं कि बल्कि उसके खिलाफ कहे कि ये इनके कबूतर नहीं ठीक या इनके कबूतर गंदे हैं, तो इस तरह की बात करना ये बड़े उस्तादों को जेब नहीं देता।